रशिया और यूक्रेन के हालात को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में तमाम खबरें छाई हुई हैं। ऐसे में जहां भारत के तमाम छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं, तो उनके माता पिता उनकी सलामती को लेकर चिंतित हैं। तो वहीं इंडिया में रह रहे यूक्रेन निवासी अपने परिजनों को लेकर चिंतित हैं। हर तरफ लोग चिंता में हैं। इस क्रम में यूक्रेन की रहने वाली एक विवाहित महिला एलोना की 2007 में मुरादाबाद के रहने वाले डॉक्टर अभिषेक सिंह से शादी हुई थी। तभी से एलोना मुरादाबाद में रह रही हैं। कुछ दिन पहले ही एलोना के पिता अलेक्जेंडर एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए इंडिया आए थे, लेकिन उन्हें अब जाना था पर हालात के चलते नहीं जा पा रहे हैं। वहीं एलोना मानती हैं कि सब तरफ डराने वाली बातें हो रही हैं। ऐसे में उन्होंने टीवी और न्यूज देखना ही छोड़ दिया है और हर रोज अपने भाई और परिजनों से बात कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो रशिया के साथ रहना चाहती हैं। मेरे साथ आए थे मेरे पापा हैं, और जो यूक्रेन में अभी चल रहा है ये तो मुझे ज़्यादा पता ही नहीं, क्योंकि मैं न्यूज़ कम देखती हूँ। और मैं चाहती हूँ रशिया के साथ ही रहना है, क्योंकि हमारी बहुत रिश्तेदार है रशिया में, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार रशिया में है। लेकिन रशिया लगातार धमकी दे रहा है, जंग की धमकी दे रहा है, वो एटॉमिक इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ इसलिए मुझे। आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए, रशिया जो हमले की बात कर रहा है ये होना चाहिए या नहीं? मैं चाहती हूँ सब आराम से रहना, और रशिया के साथ हम पहले ही रह रहे थे तब अच्छा था, और यही चाहती हूँ मैं रशिया के साथ ही रहना है। अब आपके फादर और यहाँ फंसे हुए हैं, आप उनके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे उनसे, अपने फादर के बारे में, वो किस तरीके से, किस हालात से गुजर रहे हैं? वो मेरे साथ ही आई हुए हैं, क्योंकि वहाँ तो ऐसे ही बोर हो रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी की डेट हो गई 2 साल से पहले, इसलिए मैं यहाँ पर बुलाई थी साथ में। आपके फादर भी हैं, वो किन हालात से गुजर रहे हैं ये सब कुछ सुन करके उनके ऊपर क्या हालातों से कैसे लग रहा है? वो हम तो ये सोच रहे हैं ये सब डराने की बात है बस, ये भी मेरा फादर भी यही बात बोल रहे हैं। ये फादर को डर नहीं लगता, कह रहे अगर मेरा टिकट हो गया तो मैं जाऊंगा जरूर अपने घर। वो जाएंगे जरूर जी, यूक्रेन वापस जाएंगे, क्योंकि उनके परिजन यूक्रेन के साथ साथ रशिया में भी रहते हैं। ऐसे में यूक्रेन और रशिया की लड़ाई होती है तो बड़ा नुकसान होगा।